first classes, we are going to continue our journal entries. अभी तक हमने last video में अपनी दो entries complete की थी. One was capital, second was machinery purchased. ठीक है? तो capital हमारा किस किस form में आया था? सिर्फ cash की form में आया तो हमारी entry क्या थी? अगर cash के अलावा हमारे पास और दूसरे assets की form में capital आया था तो उसकी entry क्या थी? वो सब हमने last video में की थी. अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना. ठीक है? अब उसके आगे हम next entries करने जा रहे हैं. One is purchase. ठीक है? अब purchase, अब organization start हुआ है, business start हुआ है, तो sale purchase तो चलती रहेगी. तो purchase हम किस चीज की कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें वो consider करना पड़ेगा. अगर हम purchase अपने routine goods की कर रहे हैं, routine goods मेरा raw material हो सकता है, means मेरा जिस भी चीज का business है, अगर उसी चीज की sale purchase, उसी से relevant, उसी को prepare करने से relevant, अगर मैंने कोई भी material खरीदा है, तो उन सब के लिए वो हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं. उन सब के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज नहीं करेंगे. जैसे कि अगर हमारी प्रिंटिंग स्टेशनरी है, अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस है, तो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड मेरा इंक, मेरे पेपर वगैरह जो भी मेरा मटेरियल होगा, वो सारी चीजें गुड्स के अकाउंट के अंदर आएंगी. उनके लिए हम अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, उनका हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे. ठीक है? अगर मेरा स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस है, तो स्टेशनरी से रिलेटेड मैं जो भी चीजें खरीद के लेके आ रहा हूँ रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वो सारी मेरी गुड्स बोली जाएंगी. अगर मेरा फर्नीचर हाउस है, तो फर्नीचर से रिलेटेड मैं जो भी सामान रॉ मटेरियल की फॉर्म में या प्रिपेयर सेमी प्रिपेयर्ड चीजें खरीद के लेके आ रहा हूँ, उसको फिनिश प्रिपेयर बना के आगे सेल करने के लिए, तो वो मेरी रॉ मटेरियल बोली जाएंगी और वो चीजें मेरे गुड्स अकाउंट के अंदर आएंगी. और गुड्स के लिए हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, नॉर्मली हम परचेज वर्ड यूज करते हैं. ठीक है? तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं. तो सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000. ठीक है? तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं परचेज की, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000. अब 10,000 की इसके अलावा हमें कोई डिटेल नहीं दे रखी है. इट मींस ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन मानी जाएगी. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज हमारा एक्सपेंस था, प्लस हमारे एसेट को लेके आ रहा है, गुड्स को लेके आ रहा है, स्टॉक को लेके आ रहा है. तो हमारे गुड्स आ रही है. अब गुड्स आ रही है तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, देन हमारे पास जो अकाउंट बनेगा दैट वुड बी परचेज अकाउंट. और यहाँ पे हम एज यूजुअल डेबिट यूज करेंगे, देन टू क्रेडिट के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और यहाँ पे हमारा कितना था? 10,000 एंड 10,000. अब ये क्या परचेज गुड्स आई हैं, तो हम गुड्स अकाउंट ना बना के हम अलग अलग, हमारी गुड्स के अंदर तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आ सकता है, तो हम सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन ना वो बना के हम सिंपल एक अकाउंट के अंदर उसको डिफाइन कर देते हैं, दैट इज आवर परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश चला गया, जो चीज आई वो डेबिट, जो चीज गई वो क्रेडिट. ठीक है? और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड, अब परचेस्ड फॉर कैश व्हाटएवर. ठीक है? अब यही चीज अगर हमसे बोला गया होता कि गुड्स परचेस्ड ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए, हम इसको इसी का बी पार्ट मान के चलते हैं. ठीक है? यहां पे हम देन मिस्टर ए से खरीदी है 10,000 की गुड्स, मिस्टर ए से खरीदी है, तो उस केस में हमारे पास एंट्री क्या रहेगी? हमारे पास यहाँ पे मिस्टर ए का नाम आ गया, और नाम आ गया इट मींस वो ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट में हुई है, तभी तो हमने नाम को यूज किया है. अदरवाइज हमें क्या मतलब कि किससे खरीदी है? सिर्फ सामान आया, बदले में कैश चला गया, दैट्स ऑल. वही दो अकाउंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन यहाँ पे हमें एक थर्ड आर्टिकल और दे दिया गया है, दैट इज द नेम ऑफ मिस्टर ए. अब मिस्टर ए का नाम आया है, इट मींस ही इज द क्रेडिटर, और क्रेडिटर होगा तो उस केस में हमारे पास जो एंट्री रहेगी वो क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए. और ए के सामने हम अकाउंट नहीं लगाएंगे. ए का नाम क्यों आया? क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन की है वो क्रेडिट में की है, जो सामान खरीदा है वो उधार में खरीदा है. अब ये इसको ये हमारी लाइबिलिटी हो गया है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आती है. ठीक है? और हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट था 10,000 वो
10,000 रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, अब अगर यही चीज आपसे बोली जाती सेम परचेज के अंदर ही, हम यहाँ पे जो परचेज हेडिंग कर रहे हैं परचेज के अंदर किस किस तरह की किस किस नाम से ट्रांजेक्शन आती है वो हम यहाँ पे एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपसे बोल दिया जाता परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 10,000 फॉर कैश, या फिर पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दी, या हमने जो भी पेड बाय चेक कर दिया परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए बाय चेक, इस तरह से करके आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दे दी जाती, इट मींस जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन के बदले में आपने पेमेंट कर दी है। अगर गुड्स आ गई हैं तो बदले में आपका कैश चला गया है या फिर आपका बैंक में से चेक चला गया है, तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से पेमेंट हो गई है। आपकी डेबिट के अंदर भी एक अकाउंट वर्ड आ गया है परचेज अकाउंट, और आपके क्रेडिट के अंदर भी एक वर्ड यूज हो गया है, या तो बैंक चेक गया है तो हम बैंक की वर्ड यूज करेंगे, और अगर आपकी तरफ से कैश गया है तो हम कैश वर्ड यूज करेंगे। और हमारे पास जो एंट्री होगी अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं फॉर कैश, ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश, कैश में खरीदी है, तो हमारी एंट्री जो होगी वो सेम ऐसे ही हो जाएगी जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी। फर्स्ट एंट्री मीन्स ये एंट्री, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट, अगर चेक गया है तो हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो परचेज के केस में हमारे पास यही एंट्री आती है अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज, हम परचेज कर रहे हैं, अगर हमने परचेज गुड्स की थी, गुड्स का मतलब हम गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ही चीजें लेते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन गुड्स होती हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, लेकिन अगर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, सपोज स्टेशनरी हाउस है और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्नीचर खरीदा है, अगर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मशीन खरीदी है, तो वो उसकी रूटीन गुड्स नहीं है। मशीन खरीदी है तो वंस अ व्हाइल वो खरीदेगा, ठीक है, फिर कुछ इयर्स के लिए नहीं खरीदेगा। देन अगर फर्नीचर खरीदा है तो वो भी वो वंस अ व्हाइल ही खरीदेगा, रूटीन में तो नहीं खरीदता। तो उस केस में अगर उसने बोला है परचेस्ड सपोज फर्नीचर, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों चीजों पे फोकस रखना है कि उसने खरीदा क्या है। अगर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन गुड्स के अलावा कुछ और चीजें खरीदी हैं, तो उसके लिए हम हमेशा स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और अगर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन गुड्स खरीदी हैं, तो उसको हम परचेज अकाउंट के अंदर ही शो करते हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम परचेज अकाउंट के अंदर ही वो सारा कवर हो जाता है। तो अब एक बार हम अब इसको देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपने मशीन परचेज की एंट्री की थी, सेम वैसे ही अब यहां पे करेंगे। अब यहां पे ये हमारी जो एंट्री हो जाएगी डी परचेज्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर आया है और बदले में क्या गया है, इसके अलावा कोई डिटेल दे रखी है नहीं, तो हम कैश मान के चलते हैं, तो हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइन, कितने का खरीदा हमने, सपोज 10,000 का खरीदा था, तो हम यहाँ पे एंट्री 10,000 डेबिट में लिखेंगे और 10,000 क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। नरेशन हमारी क्या हो जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का खरीदा है यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यही हमारी एंट्री होती परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमारी अगर यहां पे होती पेड बाय चेक, अगर हम यहां पे ये मेंशन होता क्वेश्चन के अंदर, हमारे स्टेटमेंट के अंदर अगर ये मेंशन होता कि फर्नीचर खरीदा है और जो पेमेंट हुई है वो चेक से हुई है, तो उस केस में हमारे पास यहां पे जो कैश वर्ड हमने यूज किया था उसकी जगह क्या हो जाएगा,
बैंक अकाउंट, मीन्स फर्नीचर आया है और बदले में मेरी तरफ से चेक चला गया है और जो चीज जाएगी वो चीज हमारी क्रेडिट होगी और चेक को हम हमेशा बैंक नाम से ही एंट्री करते हैं। चेक की अपनी कोई एंट्री नहीं होती जब तक चेक हमारे हाथ में एक चेक की फॉर्म में ही ना रखा रहे। लाइक अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इट मींस हमने हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, हम ये मान के चलते हैं हमने पेमेंट कर दी इट मींस हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, अब वो उस चेक से कभी भी हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास चेक आया है और हमें स्पेसिफाई किया जाता है, हम यहाँ चेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्पेसिफाई किया जाता है कि चेक आया है कहीं से या चेक हमारे पास जो रिसीव हुआ है और वो हमने अभी रखा हुआ है, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, उसको हम डिपॉजिट करेंगे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वो चेक मेरे लिए चेक इन हैंड रहेगा। वो हम सेल्स वाली एंट्री करेंगे तो एक बार और उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो परचेज की एंट्री रहेगी वो स्पेसिफिकली यही 2 एंट्री रहेंगी, या तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स खरीदेंगे जो रूटीन गुड्स है, या फिर हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गुड्स खरीदेंगे जो उसके रूटीन गुड्स नहीं है। तो अगर रूटीन गुड्स खरीदी हैं तो हमारा जो अकाउंट बनेगा वो परचेज अकाउंट बनेगा और उसके बदले में जो जाएगा उसके बदले में हमारी या तो कैश जाएगा या चेक जाएगा या हमारी लायबिलिटी होगी, हमने क्रेडिट में खरीदा होगा। तो तीनों की एंट्री हम यहाँ पे कर चुके हैं। और अगर हमारी रूटीन गुड्स नहीं है, जैसे फर्नीचर का हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे, उसको हम कभी भी परचेज के अंदर मिक्स नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ज्यादातर ये मिस्टेक करते हैं, अगर परचेज वर्ड लिखा हुआ है तो वो सब चीजों को परचेज के अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये परचेज किस तरह की है, रूटीन गुड्स की है तो परचेज अकाउंट, और अगर रूटीन गुड्स की नहीं है तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे फर्नीचर बनाया है। अगर मशीन खरीदी होती तो मशीन अकाउंट बनता, ठीक है। तो ये हमारी परचेज की एंट्रीज है, डन। अब अगर इसमें से हमारे पास कुछ परचेज जो भी हमने सामान खरीदा था, सपोज हो सकता है वो वापस करना पड़े, रिटर्न वर्ड वापस करना पड़े, इट मींस परचेज रिटर्न, ठीक है। डिफेक्ट भी निकल सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है या हमारी कोई पेमेंट टर्म्स हो सकती हैं, वट एवर, किसी भी वजह से अगर मुझे खरीदा हुआ सामान वापस भेजना है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो सेम हमने जो भी अकाउंट बनाया था तो नॉर्मली हम जो भी सामान खरीद रहे हैं उसकी एंट्री को क्या करेंगे, वापस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अभी तक हम जो हमने कैश में का सामान खरीदा था, सपोज हम परचेज अकाउंट, हम इसी एंट्री की बात करते हैं कि हमने गुड्स खरीदी थी बदले में कैश दिया था, तो अभी तक हमारी एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि आया और कैश अकाउंट क्रेडिट, यही थी ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो कैश वापस आएगा और मेरी तरफ से सामान वापस जाएगा, ठीक है, जो सामान आया था वो जाएगा, तो रिवर्स हो गया ना, जो डेबिट था अब वो क्रेडिट हो जाएगा और कैश जो क्रेडिट था गया था वो वापस आ जाएगा। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, अगर हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं, यहां से मैं रब कर रही हूं, ठीक है, तो हमारी एंट्री जो हो जाएगी फर्स्ट एंट्री हमारी परचेज रिटर्न की, यहां पे बात कर रहे हैं हम, या इसको हम ई करके लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की, ठीक है। तो हमारे पास अब गुड्स जो हमारे पास आई थी वो जा रही है और बदले में वापस जो मैंने कैश पे किया था मेरा कैश वापस आ गया, सामान चला गया, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास कैश वापस आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या था, परचेज था ना, तो परचेज, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसको परचेज रिटर्न लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हमारी एंट्री क्या थी, 10,000 का था ना सामान, तो हम 10,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुड्स रिटर्न, ठीक है, जो सामान था वो रिटर्न हो गया, उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, क्लियर, यहाँ पे हमारी परचेज रिटर्न। अब यही चीज अभी तक तो कैश में थी तो कैश आ गया बदले में सामान चला गया,
अब अगर यही एंट्री हमने क्रेडिट में की होती, अगर यही गुड्स मैंने जो परचेज की है वो क्रेडिट में परचेज की होती, मिस्टर ए से परचेज की हुई होती, तो अब हमारी एंट्री क्या होती, मिस्टर ए वापस रिसीव करेंगे अपने सामान को और बदले में हम यहां से सामान भेजेंगे। तो जो रिसीव करेगा, तो हमने तो अपने गोल्डन अकाउंट्स गोल्डन रूल्स के अंदर ये पढ़ा था, डेटर द रिसीवर, ठीक है, तो जो रिसीव करेगा वो तो डेबिट में आ जाएगा। और अभी हमने जो परचेज की एंट्री की थी, परचेज मिस्टर ए से मैंने परचेज किया है, तो एंट्री क्या थी हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब क्या होगा, मिस्टर ए अभी तक क्रेडिट में था, तो पलट के मिस्टर ए कहां आ जाएगा, ऊपर डेबिट में, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर ए डेबिट, डेबिट हो गया क्योंकि ये रिसीव कर रहा है अपनी गुड्स को, टू हमारी तरफ से क्या जा रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का सामान, 10,000 का। और नरेशन क्या लिख देंगे हम, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, हमने मिस्टर ए को उसका सामान वापस कर दिया, क्लियर, ए ने रिसीव कर लिया, रिसीवर द डेटर, और हमारी तरफ से जो गया उसको हमने क्रेडिट। अब यहां पे हमने परचेज रिटर्न वर्ड क्यों यूज किया है, नॉर्मली हम इसको सेल्स, नॉर्मली बच्चे जो हैं वो यहां पे मिस्टेक कर देते हैं कि सेल्स लिख देते हैं कि उसने सेल कर दिया, लेकिन ये मेरी सेल नहीं है बेटा, हमने जो सामान परचेज किया था, हमने परचेज अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो उस अकाउंट को ही, जब हमने वो अकाउंट बनाया था उस अकाउंट के अंदर सामान आया था तो डेबिट किया था, अब उस अकाउंट से ही सामान जा रहा है, उसी परचेज वाले अकाउंट से ही वापस जा रहा है, इसलिए हम इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेल हमारी अलग होती है, सेल के लिए सेल वर्ड स्पेसिफाई होगा, ये परचेज है, तो परचेज का ही सामान अगर वापस जा रहा है तो हम इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, या फिर परचेज आउटवर्ड बोलते हैं कि बाहर की तरफ, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं कि बाहर की तरफ रिटर्न हो रहा है, डन। अगर यही चीज हमारी फर्नीचर, जो हमने फर्नीचर खरीदा था और वो ही डिफेक्टिव निकल गया और वो ही वापस गया, तो बदले में क्या होगा, हमारा कैश वापस आ जाएगा और फर्नीचर चला जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और बदले में फर्नीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट के अंदर आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा कि बी फर्नीचर रिटर्न, रिटर्न कर दिया, कैश आ गया, फर्नीचर चला गया, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी परचेज से रिलेटेड है, इससे ज्यादा हमारे पास, अब इससे ज्यादा जो परचेज के अंदर आएंगे वो डिस्काउंट आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसकी उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो परचेज होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि परचेज की एंट्री कैसे करनी है, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टर्म, थैंक यू।